नमस्कार दोस्तों, नॉलेज अप चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। आज हम ऑनलाइन टेंडरिंग या फिर ई टेंडरिंग के ऊपर बात करने वाले हैं। व्हाट इज ई टेंडरिंग, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, उसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं और इसका क्या क्या प्रोसेस होता है, इसके बारे में आज डिटेल जानेंगे। ई टेंडरिंग क्या है? एक सिंपल तरीके से ई टेंडरिंग मतलब ऑनलाइन टेंडरिंग है या फिर इलेक्ट्रॉनिक टेंडरिंग। इसमें जो टेंडर डॉक्यूमेंट्स है वो हम ऑनलाइन भेज सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग पेपर। मतलब जो ट्रेडिशनल मेथड था, पेपर का एनवलप में बना करके और सारे एनवलप भेजना पड़ता था, तो उसके कंपेयर में ये ऑनलाइन टेंडरिंग सबमिशन होता है। और इसमें ज़्यादातर इंटरनेट या फिर इंटरनेट से हम लोग यूज़ करके वो डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं। भारत में ई टेंडरिंग प्रोसेस इस तरह से किया जाता है। ये जो प्रोसेस होता है वो गवर्नमेंट के लिए या फिर कोई प्राइवेट क्लाइंट के लिए भी एक फेयर में अच्छा से हो, और इसमें एक प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज बनाई जाती है, उसके बाद कुछ क्राइटेरिया रखा जाता है, उसके बाद एक डिसीजन हो जाता है कि कौन सा टेंडर एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। अभी हम जानेंगे ई टेंडरिंग की हिस्ट्री। ई टेंडरिंग भारत में अपना 1 जनवरी 2012 के बाद शुरू हुआ, वो भी फेज मैनर में। जैसे 15 अक्टूबर 2012 में सारे डिपार्टमेंट्स और टेंडरिंग के जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सब ने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। अभी पहले डिसाइड था कि 10 लाख एंड अबव, मतलब जिसका वैल्यू 10 लाख या फिर उसके ऊपर है, उसको ऑनलाइन टेंडरिंग होगा। लेकिन बाद में 1 अप्रैल 2015 के बाद से उसको घटा करके 5 लाख एंड अबव कर दिया, और उसके बाद 1 अप्रैल 2016 से उसको 2 लाख एंड अबव कर दिया। इसके हिसाब से इसमें चेंजेस होते गए। अभी इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोक्योरमेंट है, CPP पोर्टल या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पोर्टल, और उसको मेनली NIC कंट्रोल करता है, जिसे नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। अभी हम जानेंगे ई टेंडरिंग या फिर उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या, ऑब्जेक्ट ऑफ ऑटोमेटिक प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। इसका जो प्रोक्योरमेंट पोर्टल प्रोसेस है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो सबसे पहला है रिड्यूस साइकिल टाइम्स ऑफ प्रोक्योरमेंट। इसमें प्रोक्योरमेंट का साइकिल टाइम कम होता है। इसके बाद में दूसरा है इंक्रीज सप्लायर पार्टिसिपेट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सप्लायर इसमें पार्टिसिपेट कर सके और ज़्यादा अच्छा ये कंपटीशन हो सके। उसके बाद है जो प्रोक्योरमेंट का कॉस्ट है उसको रिड्यूस करना है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बिडर आ जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सप्लायर्स आ जाएंगे, तो उसमें कॉम्पिटिटिव बिडिंग होगा। और उसके साथ ही एक रिवर्स ऑप्शन का भी ऑप्शन रखा जाता है। ये कुछ कुछ केस में, कुछ कुछ टेंडर में है, हालांकि सब में नहीं होता। उसके बाद है रिमूव कैटलाइजेशन बाय सप्लायर्स ग्रुप, मतलब इसमें जो कैटलाइजेशन होता है उसको निकालने के लिए, या फिर रिवर्स ऑप्शन इसमें हम बोल सकते हैं, रिवर्स ऑप्शन में कुछ कुछ टेंडर में रहता है। इसके बाद में इंक्रीज विजिबिलिटी ऑफ प्रोक्योरमेंट स्पेंड फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, मतलब जो विजिबिलिटी है प्रोक्योरमेंट की उसमें जो उसको पूरा इंक्रीज करना है, उसको बढ़ाना है, ताकि उसमें डिसीजन मेकिंग में आसान हो सके। और सबसे बड़ा प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी लाना, ये ई टेंडर का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ पेपर वर्क, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे पुराने जमाने में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते थे, उसमें टेंडर्स BOQ जैसे फाइनेंशियल बॉडी या फिर BOQ होता है, उसको रेट्स और अमाउंट्स हाथ से लिखने पड़ते थे। फिर रेट्स पुराने ज़माने में, जैसे पुराने पेपर सिस्टम में रेट्स BOQ जो रहता है फाइनेंशियल बिल, उसमें रेट्स और अमाउंट्स हाथ से लिखने पड़ते थे। इसमें रेट्स, उसमें रेट्स इन फिगर्स, रेट्स इन वर्ड्स, तो ये पूरा डिटेल। उसके बाद अमाउंट्स, कुछ कुछ जो अमाउंट्स इन वर्ड्स भी रहता था तो उसमें बहुत टाइम जाता था। तो ये ई टेंडरिंग में ये टाइम सेव होता है, इसमें पेपर नहीं रहता, और ये ई टेंडरिंग प्रोसेस थोड़ा फास्ट और एफिशिएंट रहता है। अभी हम देखेंगे ई टेंडरिंग में कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं। ई टेंडरिंग के लिए कुछ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है, वो आपके पास होना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर सेटिंग, उसके बाद है जावा विथ सेटिंग, उसमें लेटेस्ट वर्जन, फिर DAC ड्राइवर्स है, फिर विनरार, और ये विनरार के बाद PDF प्रोफेशनल, जिसमें
हम डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट कर सकते हैं वर्ड टू पीडीएफ या फिर अपना जो एक्सेल टू पीडीएफ, पीडीएफ प्रोफेशनल कन्वर्टर, कॉम्बिनेटर, डिलीशन, इसमें हम अल्टर कर सकते हैं, कुछ चेंजेस कर सकते हैं। इसके बाद है पीडीएफ साइनर, जिसमें हम जो भी डॉक्यूमेंट रहते हैं उसमें सिग्नेचर का भी एक ये रहता है, इसमें ये एडोब डीसी का एक सॉफ्टवेयर है। इसके बाद पेंट जेपीईजी है, फिर एनी डेस्क ये भी एक है। इसके बाद ऑल डॉक्यूमेंट्स कॉम्प्रेसर, जैसे कॉम्प्रेस डॉक्यूमेंट ज़्यादा हो गया तो उसको साइज कम करने के लिए। और फिर बाद में है डीएससी, डीएससी मतलब डिजिटल सिग्नेचर। अभी हम देखेंगे कौन कौन से टेंडर ऑनलाइन रहते हैं। अभी टेंडरिंग में कुछ मेन तीन कैटेगरी है। पहला है गुड्स मटेरियल सप्लाई, इसमें जो मटेरियल जो भी गुड्स रहता है उसका सप्लाई का, सिर्फ मटेरियल का सप्लाई है। अब इसमें कोई भी स्टेशनरी और कोई भी मटेरियल रहे उसको ऑनलाइन टेंडर से फ्लोट करते हैं, जैसे 2 लाख एंड अबव कॉस्ट का जो भी टेंडर है उसका। उसके बाद है सर्विसेज, सर्विसेज में प्रोफेशनल सर्विसेज जैसे आर्किटेक्चरल, पीएम्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टिंग, फिर कंसल्टिंग, ऐसे अलग अलग सर्विसेज रहते हैं। इसमें भी ऑनलाइन टेंडरिंग 2 लाख के ऊपर जो भी है उसको अमाउंट के ऊपर फ्लोट किए जाते हैं। और तीसरा है वर्क्स, वर्क्स में हम देखते हैं कि लेबर प्लस मटेरियल वर्क्स, इसमें जो ऑनलाइन टेंडर्स फ्लोट किए जाते हैं वो 3 लाख के ऊपर जो अमाउंट रहता है उसके फ्लोट किए जाते हैं। अभी इसमें कुछ टेंडरिंग बेसिक टर्म्स है जो टेंडर में, ओपन, ग्लोबल, लिमिटेड, निगोशिएशन, नेगोशिएटेड, ये 4 टाइप्स के टेंडर हैं। और इसमें कुछ बेसिक टर्म्स हैं वो आपको जानना बहुत ही जरूरी है, जैसे टेंडर नोटिस हो गए, ईएमडी, जैसे अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, फिर एसडी, सिक्योरिटी डिपॉजिट, फिर बिड वैलिडिटी, वो बिड कब तक वैलिड है, फिर डीएपी, डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड, फिर कॉरिडेंडम, जो भी प्री बिड के बाद मीटिंग के बाद कुछ डिसीजन चेंज होते हैं, या फिर टेंडरिंग फ्लोट होने के टेंडर एक बार ऑन होने के बाद कुछ टाइम के बाद उसमें कुछ चेंजेस होते हैं तो वो कोरिजेंडम आता है। इसके बाद कंप्लीशन पीरियड, जो टेंडर का प्रोजेक्ट का कंप्लीशन पीरियड है। और इसके बाद एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, और ये सारे टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे टेंडरिंग के पॉइंट्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियो बनाए हुए हैं, आप उधर आई बटन में जाके देखिए, उसमें टेंडरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें ये सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। अभी ऑनलाइन प्रोसीजर ऑफ टेंडर फिलिंग, अभी इसमें एक एग्जांपल के लिए दिया है महा टेंडर्स, मतलब ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का दिया है, www.mahatenders.gov.in। अभी इस कॉन्ट्रैक्टर के पॉइंट के हिसाब से हम देखेंगे, ये कुछ टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो उसको प्रिपेयर करना और सबमिट करना बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद क्या क्या उसमें स्टडी करना है ये भी देखना पड़ता है। सबसे पहले रीडिंग टेंडर डॉक्यूमेंट एंड इट्स कंटेनिंग टर्म्स एंड कंडीशंस, टेंडर डॉक्यूमेंट पूरी तरह से स्टडी करना, उसका जो भी जनरल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो सब स्टडी करना। उसके बाद में जो ऑल सेट्स ऑफ फॉर्मेट्स डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर सबमिशन, इसमें जो जो फॉर्मेट्स टेंडर में दिए हुए हैं, शेड्यूल्स दिए हुए हैं, वो डॉक्यूमेंट्स वो सबमिशन के लिए जो भी जरूरी है वो सब आपको स्टडी करना है, उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। इसके बाद जो सॉफ्टवेयर है, सेटिंग ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड ऑन कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर के ऊपर जो भी अभी हमने सॉफ्टवेयर डिस्कस किए उसको पूरा सेटअप करना जरूरी है। इसके बाद आपको कुछ बेसिक नॉलेज भी जरूरी, इंटरनेट का जरूरी है, इंटरनेट, पीडीएफ, वर्ड, एक्सेल, जेपीजी, ये सब चीज़ का बेसिक नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। और इसके बाद जो भी हम फाइल्स तैयार करते हैं उसको कॉम्प्रेशन ऑफ फाइल्स, पेंट सॉफ्टवेयर, ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। अभी टेंडरिंग में कुछ एब्रीवेशन एंड टर्म्स यूज किए जाते हैं, उसमें शॉर्ट फॉर्म्स बहुत जगह मेंशन करे थे, तो कभी कभी हम लोगों को शॉर्ट फॉर्म उसका डिटेल मालूम नहीं था, इसलिए हम वेदर कुछ बता रहा हूँ। जैसे फर्स्ट है पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी मतलब पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, एमएसएमई, माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। उसके बाद है डीएससी, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, डीएससी जैसे ऑनलाइन सिग्नेचर एक डॉक्यूमेंट रहता है, इसको पेन ड्राइव की तरह रहता है, ये ऑनलाइन टेंडरिंग या फिर ई टेंडरिंग के लिए बहुत ही जरूरी है।
उसके बाद जीएसटी, जिसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स, फिर पैन परमानेंट अकाउंट नंबर, फिर आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न, ईएसआईसी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, पीटीआरसी प्रोफेशन टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पीटीसी प्रोफेशन टैक्स एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, डीआईएन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, टीआईएन टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, टैन टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। अभी इसमें एग्जाम्पल के लिए पीडब्ल्यूडी टेंडर डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट्स, जैसे स्टेटमेंट फॉर्म में रहता है फर्स्ट स्टेटमेंट, वर्क इन हैंड एंड वर्क टेंडर फॉर, मतलब कौन कौन से काम आपके हाथ में है, आपने कौन से काम के लिए ये किया है, वो फर्स्ट स्टेटमेंट। दूसरा है लिस्ट ऑफ मशीनरी अवेलेबल फॉर दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के लिए जो भी मशीनरी रिक्वायरमेंट है उसका लिस्ट। फिर लिस्ट ऑफ टेक्निकल पर्सन लाइक टू लिख लो गया अपॉइंटेड ऑन दिस प्रोजेक्ट, मतलब इस साइड प्रोजेक्ट के लिए आप कौन कौन सा टेक्निकल स्टाफ अपॉइंट करने वाले हो उनका लिस्ट। सर्चिंग ऑफ टेंडर्स, टेंडर का सर्च करना, जैसे लोकेशन के हिसाब से कैटेगरी के हिसाब से भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ टेंडर्स हिडन रहते हैं, जो हिडन टेंडर हैं उनको सर्च करने के लिए आपको टेंडर आईडी, डिपार्टमेंट अमाउंट या फिर डेट ऑफ सबमिशन और पब्लिश, इससे हमें आप सर्च कर सकते हैं। रीडिंग ऑफ टेंडर नोटिस एंड डाउनलोड ऑफ टेंडर नोटिस एंड अटैचमेंट, जैसे वेबसाइट पे जाके सबसे पहले वो टेंडर अपने लोग उनको डाउनलोड करना पड़ता है, और वो टेंडर में जो भी अटैचमेंट है वो सब डाउनलोड करना है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बीओक्यू। बीओक्यू डाउनलोड करने के बाद में बीओक्यू प्रिपरेशन, जिसमें एक ऑप्शन आता है अनेबल माइक्रोस, वो अनेबल माइक्रोस करके उसमें बटन पर आप क्लिक करेंगे तो वो बीओक्यू ओपन होता है। कभी कभी इनिशियली ओपन नहीं होता, ये अनेबल माइक्रो करने के बाद ओपन होता है। उसके बाद में फिलिंग डिटेल्स, उसमें रेट्स आपको भरना है, और रेट्स भरने के बाद अमाउंट अपने आप उधर आ जाता है, और ये पूरा होने के बाद में वैलिडेशन का एक ऑप्शन आता है, वो वैलिडेट करना है, उसके बाद में सेविंग ऑप्शन आता है। अभी टेंडर डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन, इसमें सबसे पहले जो पीडीएफ डॉक्यूमेंट है वो पीडीएफ में प्रिपेयर करना है यूजिंग ड्रॉप सॉफ्टवेयर, उसके बाद में पीडीएफ प्रोफेशनल क्रिएटर रहता है वो यूज करना है, फिर रा यूजिंग विनरार उसे यूज करना है, और फिर जेपीईजी यूजिंग पेन, ये सारे सॉफ्टवेयर यूज करके उसको टेंडर डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है। इसमें कुछ स्टेटमेंट्स फॉर्म्स डिक्लेरेशंस जो कॉन्ट्रैक्टर को देना पड़ता है उसको पीडीएफ प्रोफेशनल का यूज करके प्रिपेयर करना है, जो भी वर्ड में होता है कुछ एक्सेल में रहता है, जैसे वर्ड फाइल में डिक्लेरेशन रहता है, एफिडेविट रहता है, इसके बाद एडिंग लेटर हेडर वो सब रहता है, इसके बाद पेज सेटअप, प्रिंट प्रीव्यू, इसके बाद पीडीएफ सेव एज और प्रिंट, इसके बाद एक्सेल में क्या है स्टेटमेंट्स रहता है, लिस्ट वगैरह रहता है, इसके बाद में कन्वर्टिंग फॉर्मेटिंग रो कॉलम ये सब करना पड़ता है, इसके बाद रिसाइज हाइड अनहाइड एक्सेट्रा, जो भी अपने डाटा चाहिए वो रखना है, बाकी हाइड करना है, इसके बाद पेज सेटअप, प्रिंट प्रीव्यू ये सब करना है, फिर पीडीएफ सेव एज अ और प्रिंट। इसमें ये सब मेनली बेसिक कंप्यूटर रिलेटेड सब पॉइंट्स हैं, जिसमें सेटअप वगैरह वर्ड एक्सेल का फाइल का उसमें प्रॉपर सेटअप करना है, प्रॉपर अच्छा से अरेंज करना है, और उसको सबमिशन के लिए प्रिपेयर करना है। तो दोस्तों आपने देखा कि व्हाट इज ईट एंट्री, इसका प्रोसेस कैसा होता है, क्या क्या सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिए, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।